धक्के धुके ना, ठीक है एक मिनट वहाँ और भी गई सर, हमें तो छोड़ो ना सर, हम ही छोड़ो सर, क्या कर रहे हैं, हो गई है सर, छोड़ रहे हो यार, ये क्या हो गई है, इसी कौन से दिखा था बाहर को छोड़ दो सर, थोड़ा आराम से रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है जो पिछले कुछ अरसे से काम करता था वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की किसी कपड़े को तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं, इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। ये जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज़ को बेशर्मी से ऊना पकड़ने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा।